किसान भाइयों, मैं आज मसूरी गांव में हूँ। मेरे सामने है कुबोटा B2441 4x4। थोड़ा इसके बारे में जानना कर लूँ मैं सुरेंद्र भाई से। नमस्कार जी। ये ट्रैक्टर कैसा लेकर आपका? देखो जी, मेरे पास दो ट्रैक्टर है जी, ट्रेंच के हिसाब से। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। बढ़िया ट्रेंच के हिसाब से 5 ट्रैक्टर है एवरेज में, आफ्टर सेल सर्विस में, और कोई खुराक मतलब कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं आता। कितने घंटे चल गया होगा? जो जी चल गया 1093 घंटे, 1100। अब तो कोई मैंने इसमें 1 रुपया दिया गया भाई। देखो कितना बढ़िया, ना 4x4 में खराबी आई कुछ? कोई खराबी नहीं किसी भी तरह की, ना हाइड्रोलिक में, ना 4x4 में, ना PTO में। मैं फुल संतुष्ट हूँ। टायर गिराए वही है? ना वही पड़ी रुकने, कोई दिक्कत नहीं किसी भी, कहीं एक बूंद की लीकेज नहीं। लेबर लाने में, छोड़ आने में। सड़क पर कितना भाग जाए? सड़क पर छोटे ट्रैक्टर की चाल कमी रहे, चाहे चाल होने का मतलब मौत। हाँ कभी पलट जा, सही कह रहे हैं। अच्छा हिच बनवा रखा इस तरह का भाई? देखो अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो इस तरह का हिच बनवा लो छोटे का। ये देखो बहुत बढ़िया, बड़े भी लगा लो इसी कुंदे को। इसे लिकाड़ के ऊपर लगा लो, ये बढ़िया गोल गोले ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसकी सापट सीधे रखी एक्चुअल की तो कोई सीर भी लीक नहीं इसकी। ताऊ जी ऊपर का तो फ्रेम बना दे, अंदर तो साफ्ट ही काम करे, सब में बड़ा हो या छोटा, मतलब ये हाउसिंग जो छोटा का दे रखा इससे कोई दिक्कत नहीं। साफ्ट की क्वालिटी में भी लोहे की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अच्छा मुझे मेरे 1100 घंटे चल गया, मुझे किसी भी तरह की कोई सीर भी कोई लीकेज नहीं। हाँ और ट्रेंच में 5 फुट सिंगल बट ट्रेंच बोला, 5 फीट के ट्रेंच में, यानी कि 60 फीट के ट्रेंच में कोई भी इम्प्लीमेंट जी जो ट्रेंच को पैदा करने के लिए करना चाहिए जी, उसको बहुत बढ़िया चाल है, बहुत बढ़िया तेल का एवरेज। आपने पंखा लगवाया इसमें? जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा है वेरे भाइयों, 1100 घंटे चल भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अपने पैसे, अपने जो ट्रैक्टर फ्री खड़ा हो गया, कमा दी इनने 1100 घंटे कमा दी। अच्छा एक बात सुनो जी, बंधाई के पैसे बचाओगे ना तो कमा दिया। हाँ सही कह रहे हैं, बंधाई में। हाँ इसकी 1200 रुपये बंधाई के जमा भी क्या के? सही कह रहे हैं, अब 4 साल में लगा लो बंधाई में। फिर ये भाई ये बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, तो जी ये लेना चाहिए किसान भाई को। इससे 127 भी आवे, एक वो आवे 21, ये ठीक है? 21 तो मेरी समझ से पर है, उसमें हाँ। पावर स्टीयरिंग नहीं है तो पार्ट बढ़िया नहीं होने की, मजा नहीं आने का। 21 में जो इंजन की CC है वो भी कम है, पर 24 में 27 में इंजन की CC सही सेम है, बस PTO वैसे PTO की पावर थोड़ी सी फालतू वैसे बढ़ा रखी। किसान के लिए 24 ठीक है, मीडियम है, बहुत बढ़िया। हमने तो दूसरा भी 24 लिया। तो ये जाली वाली कहाँ लगवाई? ये मिस्त्री नूर मोहम्मद मिस्त्री। देखो ये जाली भी वो भी, ये बस वेट लग रहा, देखो जो 4x4 में वेट सी है। अच्छा और टायरों पे भी लग रहा है ये वेट? आप लाए थे कंपनी से? ये तो कंपनी नहीं, तो हमने खुद ही लगवाया था। ये तो ये शाह कबाड़ी में से ला के है, कबाड़ी में से ला के है। अच्छा और ये घिसवासी क्या और बोल्ट से सेट कर दिए, खोल के निकाड़ के रख लो, मतलब उठाता ऊपर को पहले। हाँ जी अब नहीं उठता। जब हम नया ट्रैक्टर लाए, नंगा ट्रैक्टर था, हमने जो तेल वो हमने जो इसमें वो जोड़ा टैंक 200 लीटर का, जैसे हमने टैंक उठाया ट्रैक्टर आगे से उठा। अच्छा फिर नहीं उठा? तो पहली स्प्रे तो 5 बीघे में हमने साइड ब्रेक से करी थी। अच्छा फिर हमने 70 किलो का बम्पर लगवाया और 80-90 किलो वेट लगवाया, तो 1.5 क्विंटल वजन हो गया। अब नहीं उठता? फिर 2 साल पहले हमने ये वेट लिया थे पिछले 27 किलो के, तो ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस 30% बढ़ गई। इससे क्या पता स्लिप नहीं मारता? इससे स्लिप नहीं मारता जी। अच्छा अगले पहिए भी आवे वेट तो अगले पहियों पे वेट नहीं लगता जी, पिछले भी लगता है। बहुत बढ़िया इंजन में कोई जरा सा कोई भी? अरे ताऊ जी मैं नजारा देखो, वाह सुनो क्या शानदार आवाज है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब आवाज है, बहुत अच्छा लगा। इस ट्रैक्टर में बस एक ही काम करवाया 4 साल में, क्या एक साइड की बैटरी थी, बस एक साइड की बैटरी। हाँ मैं तो 3 साल में तो खराब हो जाए बैटरी। हाँ। बैटरी भी सस्ती छोटी सी होगी,
बाइक वाली होगी तो ना, तो छोटी सी है मैंने और कुछ नहीं करवाया। सही, बहुत बढ़िया। तो 5-6 हज़ार घंटे चल जाएगा इंजन? नहीं, और मेरे हिसाब से तो 20,000 घंटे चल जाएगा। वाकई 20 पत्ते जो है तो किसान पत्ते बुढ़ा हुए नहीं हो? हाँ? किसान नहीं बुढ़ा हो जाएगा, चलना सही करे। ये छतरी भी 9 रुपये करवाई जाल सा है। तो भाइयों कैसा लगा ट्रैक्टर, जरूर कमेंट करके बताना। नमस्कार।